मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट टू वीडियोस में हमने थोड़ा बहुत बेसिक किया था इसका चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का। आज हम इसको आगे करने जा रहे हैं। आज के जैसे पिछले टॉपिक के अंदर मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ, पिछले टॉपिक में हमने जो किया था सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन किया था। उसके अंदर एक छोटा सा जो फर्स्ट पॉइंट जा था सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज कर्व, दोनों में फ़र्क क्या होता है वो आपको क्लियर कर देते हैं। सिंपल कर्व क्या होता है कि जिसके अंदर लाइन सेगमेंट हो और कर्व हो और एक ही फिगर होनी चाहिए, एक से ज़्यादा होने पर या अगर वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इन दिस केस वो सिंपल कर्व काउंट नहीं होगा। तो इस तरह से हमने वो क्वेश्चन किया था। तो अगर वो कट हो रहा था तो जैसे हमने ट्राइंगल बनाया था तो ट्राइंगल में वो कट हो रहा था, या दो सर्किल से एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रहा है, तो डेफिनेटली ये एक कोई एक शेप नहीं काउंट हो रही, तो ये मोर देन टू होगी तो भी ये सिंपल कर्व में काउंट नहीं होता। उसी तरह से स्टार एक दूसरे को कट कर रहा है इसलिए ये सिंपल कर्व में काउंट नहीं होता। तो जो कट हो रहा है इस तरह की फिगर आ रही थी तो वो काउंट नहीं होता है। तो इस तरह से मैंने आपको क्लियर कर दिया। सिंपल क्लोज कर्व कौन सी होती है? सिंपल क्लोज कर्व वो सभी होती है जो मतलब बंद होनी चाहिए, जो क्लोज है डेफिनेटली वो उसमें आएगी सिंपल क्लोज कर्व। तो डेफिनेटली जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें जितने भी सिंपल कर्व थे वो सारे के सारे सिंपल क्लोज कर्व भी थे, क्योंकि सारे के सारे वो पैक थे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप ये कर सकते हो। अब हम आगे करते हैं। आज का टॉपिक नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है जिसे, ठीक है। तो नंबर ऑफ डायगोनल निकालने के लिए सीधा एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जो ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ डायगोनल अगर पॉलीगॉन का निकालना है, नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला ऑफ पॉलीगॉन n n माइनस 3 अपॉन 2 डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए और आपका आंसर सामने हो जाएगा। अच्छा, अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल नाम सुनते ही पता चल रहा है कि उसकी साइडें कितनी होगी, 4 होगी। तो n इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4। तो 4 साइडों के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। हेक्सागन में कितनी साइड होती है? 6 साइड होती है। तो n की वैल्यू पता रखना, पहले से ही n की वैल्यू कितनी होती है? 6 हमें पता है ऐसे से। तो ट्राइंगल में n कितना होता है, नंबर ऑफ साइड कितनी होती है? 3। तो नंबर ऑफ साइड पहले पता होना चाहिए, फिर हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करना है इसमें कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो उसमें मुझे पता है कि n कितना होता है? 4 होता है। तो मैं इसका नंबर ऑफ अगर निकालता हूँ, नंबर ऑफ डायगनल्स हम आराम से निकाल सकते हैं। इसमें हम वैल्यू रख देंगे 4 माइनस 3 अपॉन 2, वैल्यू रख देंगे 2 से कट करेंगे, ये 2 हो गया, 2 इंटू 1 हो गया 2। तो 2 डायगनल्स होते हैं, कितने डायगनल होते हैं? 2 डायगनल्स होते हैं। इसी तरह से अगर मुझे सॉल्व करना है सेकेंड पार्ट, तो हेक्सागन के अंदर अगर मुझे बताना है रेगुलर हेक्सागन तो उसके अंदर भी हम आराम से बता सकते हैं रेगुलर हेक्सागन में n कितना होता है? 6। तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका नंबर ऑफ डायगनल निकालना है तो आराम से निकाला जा सकता है नंबर ऑफ डायगनल्स, तो वैल्यू रख देंगे इसमें, तो इसमें होता है 6 माइनस 3 अपॉन 2, 2 की टेबल से कट कर दो तो 3 3 3 9। तो टोटल 9 डायगनल्स हो सकते हैं। इसी तरह से ट्राइंगल का चेक करके देख लो, नंबर ऑफ डायगनल निकाल के देख लो। इसके लिए ट्राइंगल्स के लिए चेक कर रहे हैं, ट्राइंगल में एन कितना होता है? 3 के अकॉर्डिंग चेक करके देख लो, 3 के अकॉर्डिंग वैल्यू रख के देखते हैं, 3 माइनस 3 अपॉन 2, 3 मल्टीप्लाई 0 से अपॉन 2, कितने डायगनल हो गए? 0। 3 × 0 क्या होता है? 0 ही होता है, तो 0 डायगनल, इसीलिए तो ट्राइंगल का कोई डायगनल नहीं होता। इस तरह से बच्चों आप ये इसको कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है n n-3/2 डायरेक्ट फॉर्मूला। आप ध्यान रखेंगे सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसका एक क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी देख लो इसी वीडियो के अंदर, बाकी हम आगे वाले वीडियो में करेंगे, पहले इसको आप अच्छे से क्लियर कर लो। एक क्वेश्चन नंबर 3 इसका कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो उसका एंगल सम कितना होता है। तो एंगल सम निकालने का सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला भी बता देता हूँ जो नेक्स्ट वीडियो में काम आएगा। एंगल सम निकालने के लिए फॉर्मूला, इंटीरियर एंगल सम निकालें ऑफ पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल सम निकालें, फॉर्मूला n-2 × 180, ये फॉर्मूला होता है। अब किसी का भी आप एंगल सम निकाल सकते हो। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है
व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. अब कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों में से कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, तो व्हाट प्रॉपर्टी होल्ड इफ द डायगोनल इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स. अगर कॉन्वेक्स है तब भी और कॉन्वेक्स नहीं यानी कि कॉनकेव है तो भी, चाहे क्वाड्रिलेटरल ऐसा हो, ठीक है, चाहे क्वाड्रिलेटरल ऐसा हो, क्वाड्रिलेटरल आपका क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए. अगर क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसका एक एंगल जो है मोर देन 180 डिग्री हो गया, तो डेफिनेटली ये अलग टाइप का क्वाड्रिलेटरल है. कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का पता होना चाहिए आपको. ये कह रहे हैं कि कॉन्वेक्स अगर होता है उस केस में एंगल सम कितना होता है, और नहीं है उस केस में कितना होता है. तो एंगल सम का फॉर्मूला ध्यान रखो, एंगल सम निकालने का फॉर्मूला ये है, तो एन कितनी होती है, नंबर ऑफ साइड इसकी चार होती है, तो चार के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो, 4 - 2 × 180 कितना आया 360 डिग्री. यानी इसका एंगल सम कितना होता है, एंगल सम कितना होगा, एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चाहे क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो, चाहे कॉनकेव हो कॉनवेक्स हो, कितना होगा 360 डिग्री होगा. अब ये कह रहा है, इसी में एक लाइन पूछ रहा है कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉनवेक्स. अगर ना हो तो फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, डेफिनेटली फॉलो करेगा, यस इट विल फॉलो, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल तो है ही वो, जो एंगल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यस दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स इवन द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स. इट प्रॉपर्टी विल वर्क, इट प्रॉपर्टी विल होल्ड इफ इट इज नॉट convex, then also it will work. If it is not convex, then also this property will work. तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, yes, yes. If it is, yes. If it is not convex, then also this property will work. ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोग बच्चों कर सकते हो. तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इस तरह से आप लोग एंगल सम निकाल सकते हैं. तो एंगल सम भी इसी में ही क्लियर कर सकता हूँ मैं. क्वेश्चन नंबर 4 में भी जैसे पूछा गया है कि सबके एंगल सम बताओ कि नंबर ऑफ साइड के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी ले ही लो, क्वेश्चन नंबर 4 इसी में क्लियर करा देता हूँ. चलो बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. आप लोग डायरेक्ट इसके अंदर ध्यान रखो कि कितने हैं, जैसे आप लोगों को कह रहे हैं नंबर ऑफ साइड के अकॉर्डिंग. अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है कि अगर नंबर ऑफ साइड 7 हो तो क्या आएगा एंगल सम, ठीक है. अगर नंबर ऑफ साइड 8 हो तो कितना आएगा, नंबर ऑफ साइड ए बी हो गया, ठीक है, ए बी सी डी इधर लिख देता हूँ, सी द डी. अगर नंबर ऑफ साइड कितना हो 10 और नंबर ऑफ साइड एन हो तो कितना होगा एंगल सम. तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है नंबर ऑफ साइड एंगल सम निकालने के लिए. एंगल सम के लिए फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, एन माइनस 2 × 180. तो सब में ये फॉर्मूला लगा दो, एंगल सम निकल जाएगा. सबके एंगल सम निकालना है, एन माइनस 2 × 180 में वैल्यू रखनी है और कुछ भी नहीं है. एंगल सम कितना है, एन माइनस 2 × 180, इसका तो डायरेक्ट ही हो जाएगा क्योंकि एन ही है इसका. तो ये सब में वैल्यू रख दो आपका आंसर आ जाएगा. जैसे फर्स्ट वाले में रखता हूँ अगर 7, तो 7 - 2 × 180 इसमें आप वैल्यू रख दो, 5 × 18 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 900 डिग्री आ जाएगा. इसी तरह से इसमें रख दो 8 - 2 × 180, ये 6 × 180 हो जाएगा, इसमें भी वैल्यू रख दो, ठीक है, ठीक है, 1080 हो जाएगा. इसी तरह से ये वाला हो गया. तो बच्चों इस तरह से आप लोग, ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें. ओके बच्चों, बाय.